Hello student, today we see the important topic, that is the derivation on steady state error. Okay, so see, this is the closed loop system. Okay, and find out the derivation of steady state error. Okay, so first of all consider a simple closed loop system with negative feedback and forward transfer function g of s. Okay, so consider simple closed loop system with negative feedback and forward transfer function g of s. Okay, in this we see the derivation. The first equation is, that is e of s, this one, e of s is equals to r of s minus of b of s. Okay, what is e of s? That is error. Then that is the r of s minus of b of s. Okay, firstly this is equation number first. Then find out b of s. Then b of s is equals to, it is c of s into h of s. okay, b of s क्या रहेगा? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, c of s इंटू h of s. ओके, बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो भी b of s की वैल्यू निकली है हमारी वो इसमें पुट कर देंगे. तो क्या बनेगा अपना e of s? इट इज e of s इज इक्वल्स टू r of s माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये b of s की वैल्यू पुट करेंगे, पुट b of s वैल्यू, दैट इज c of s into h of s. Okay, after that we find out the c of s, that is c of s is equals to the multiplication of e of s into g of s, e of s into g of s. Okay, then what is e of s? It is this, that is r of s minus c of s into h of s. Okay, this value, that is equation 2, will be put in this equation. Okay, so write e of s is equals to r of s minus c of s की वैल्यू क्या है, that is e of s g of s. ओके, और h of s जैसे कि वैसे ही रहेगा, that is from equation 2. ओके, after that हम लोग क्या करेंगे, ये जो e of s की टर्म है वो एक साइड लेंगे और r of s जो भी अपना इनपुट है वो एक साइड रखेंगे. ओके, तो क्या होगा, e of s ये वैसे ही रहेगा, अगर ये इधर लिया तो क्या होगा, प्लस होगा e of s g of s h of s इज इक्वल्स टू r of s, वैसे की वैसे ही रहेगा. ओके, अभी क्या होगा, इनमें से e of s कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, e of s इज इक्वल्स ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ओके, इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस आएगा, ओके। अभी ई ऑफ एस अपने को क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट एरर मीन्स इट इज ई ऑफ एस। तो ई ऑफ एस क्या आएगा इसके ऊपर से, ई ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जे ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ओके। ये अभी इसमें हम लोग अगर फीडबैक क्या रहेगा 1 या फिर यूनिटी रहेगा तो क्या होगा, इफ द सिस्टम is with unity feedback, जब भी यूनिटी फीडबैक रहेगा तभी एच ऑफ एस क्या रहता है, दैट इज एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1, ओके। सो अपना स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन क्या बनेगा, ई ऑफ एस इज इक्वल्स टू एच ऑफ एस के जगह पे 1 आएगा तो क्या आएगा फिर आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस, ओके। तो ये हो गया यूनिटी फीडबैक रहा तो। इसके बाद में जो है आपका स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन है, दैट इज स्टेडी स्टेट एरर, दैट इज हम लोग उसको क्या बोलते हैं ई एस एस, इज इक्वल्स टू ऑलरेडी फॉर्मूला देखा है, दैट इज लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी, ओके। और अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम लिया इसमें यूजिंग, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो ई एस एस क्या रहेगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एस ई ऑफ एस, ओके। और अपना ई ऑफ एस की जो वैल्यू है ऑलरेडी हम लोगों ने ये निकाल दी है, तो ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, ई एस एस इज इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पे एस आएगा टी की जगह, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है एस, यहाँ पे क्या था टी था, एस टेंस टू इन्फिनिटी ई एस वैसे ही रहेगा ये वाला, और ई ऑफ एस के जगह पे क्या लिखेंगे आर ऑफ एस, ये वाली पूरी टर्म लिखेंगे 1 प्लस जी ऑफ एस, ओके। अगर यूनिटी नहीं रही तो हम एच ऑफ एस भी लिख ले लेंगे, अगर यूनिटी फीडबैक रहा तो एच ऑफ एस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। so this is the derivation of steady state error, okay, so thank you.